माइंड डे क्लासेस सीकर ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन यहाँ वर्षा वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे। अपन देखते हैं कि राजस्थान और भारत में वर्षा कैसे होती, किन प्रकार की कोणों से होती है, इसका अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। तो अपने पहले वाली क्लास में बताया भी था कि राजस्थान में जो वर्षा होती है, यह वर्षा राजस्थान में जो वर्षा है ये दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। यानी कि यहाँ जो वर्षा ऋतु है वर्षा ऋतु है, इस वर्षा ऋतु में मैं बता रहा था कि भारत में राजस्थान में पूरे भारत में जितनी वर्षा होती है उसका लगभग 80% वर्षा है वो वर्षा ऋतु में होती है। और वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। भारत में वर्षा है वो किस प्रकार की पवनों से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से। इसमें मैंने पहले बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, हिंद महासागर, यानी कि हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, इनकी क्या होती है, प्रूप यानी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। क्यों होती है ये कल विस्तार बता दिया। अब आगे देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, जैसे ये भूमध्य रेखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, ये मानसूनी पवने दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, ये जो दक्षिणी भारत है, इस दक्षिणी भारत की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। और ये दक्षिणी भारत का जो धरातल है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, इस समुद्र से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। तो दक्षिण का प्रायद्वीप पठार एक त्रिभुजाकार आकृति में है, इसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने दक्षिणी प्रायद्वीप पठार है, दक्षिणी भारत के पठार से टकराती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं वो दो भागों में बढ़ जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने कितने भागों में बढ़ते, दो भागों में, एक तो है आपकी अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की शाखा है। इस शाखा से सर्वाधिक यहां 65% वर्षा होती है, इस शाखा से बाकी 35% वर्षा होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा अरब सागर की शाखा कहलाती है, एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि जो भारत में सबसे पहले वर्षा मानसून का प्रवेश है वो कहां से होता है। देखिए, हालांकि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, तो सबसे पहले वर्षा तमिलनाडु में होनी चाहिए, परंतु नहीं, भारत में लगभग 1 से 5 जून के आसपास है भारत में मानसून का प्रवेश है, वो सबसे पहले कहाँ होता है, केरल में होता है। भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश है वो केरल में होता है। हालांकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा कहाँ होती है, मानसून कहाँ प्रवेश करता है, तो अंडमान और निकोबार है, ये इससे भी नीचे है, तो वहाँ 15 से 22 मई के आसपास है सबसे पहले मानसून है, वो अंडमान निकोबार आता है। अगर अंडमान निकोबार न देकर राज्य पूछ लेता है तो आपको बताना है कि भारत में मानसून का प्रवेश है
वो 1 से 5 जून के मध्य केरल से होता है। अब क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भारत में सबसे पहले केरल में होता है, तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु है यह है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तमिलनाडु है यहां वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के मध्य वर्षा नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु है ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो अरब सागर है इसका तट है, ये अरब सागर का तट कहलाता है। इस भारत का जो ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, इसके सहारे सारे यहां एक क्या है, पर्वत श्रेणी है। यहां क्या है? पर्वत श्रेणी है, और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, या इसे क्या कहते हैं, सहयाद्री। यानी कि जो अरब सागर के तट के सहारे सारे यहां गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार एक दीवार की भांति सीधी एक बहुत लंबी एक पर्वत श्रेणी है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ये बहुत ऊंची है, और इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा है, ये अरब सागर की शाखा ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी के इधर जो पहाड़ी का पश्चिमी घाट है, इसका जो पश्चिमी भाग है, यहां क्या होगी, वर्षा होगी। तो पहाड़ी है, इन बादलों को रोक लेती है, क्योंकि पहाड़ी ऊंचाई ज्यादा है, बादल में पानी ज्यादा है तो ऊंचाई कम है। तो अरब सागर की शाखा है ये इधर है, इसके अरब सागर की शाखा के समानांतर ये पहाड़ी फैली हुई है। इधर है पश्चिमी भाग में तो वर्षा हो जाती है, और पहाड़ी का जो पूर्वी भाग है वो सूखा रह जाता है, बादलों को पहाड़ी रोक लेती है। तो इस कारण है जो तमिलनाडु है वो किस में आ गया, वृष्टि छाया प्रदेश में आ गया। तो यहां याद रखिएगा, तमिलनाडु में वृष्टि छाया प्रदेश में आने के कारण यहां वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, यहां वर्षा तमिलनाडु में शीतकाल में होती है, जो बाद में बताऊंगा एक बार। अब अरब सागर की शाखा है ये 3 भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर की शाखा है ये 3 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा जो केरल का मालाबार तट है यहां वर्षा करती है, दूसरी शाखा है ये यहां कर्नाटक मध्य प्रदेश निकल जाती है, और तीसरी शाखा है ये इधर से प्रवेश करती है, यहां अरब सागर की शाखा आती है, जो गुजरात का कच्छ है, सौराष्ट्र है, और ये पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करती है। अब अरब सागर की जो शाखा है, ये अरब सागर की शाखा और इधर है यहां क्या इधर क्या फैली हुई है, अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, जिस इसी दिशा से अरब सागर की शाखा आ रहा है, और इसी अरब सागर की शाखा के समानांतर है वो अरावली फैली हुई है। अरावली की इतनी ऊंचाई नहीं है कि वो अरब सागर के बादलों को रोक सके। दूसरी बात, अरावली है यह है अरावली अरब सागर की शाखा के समानांतर फैली हुई है, इस कारण पश्चिमी राजस्थान में उत्तरी राजस्थान में वर्षा कम होती है। कई बार पूछ ले कि जिस दिशा में राजस्थान में अरावली फैली हुई है उसी दिशा में अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है, अरावली की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं है कि इन बादलों को रोक सके, ये इसके समानांतर फैली हुई है अरावली, अतः पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में वर्षा कम होती है। और ये अरब सागर की शाखा है ये हिमालय पर्वत है, जो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जिला है वहां हिमालय से टकराती है, और फिर वहां वर्षा करती है, क्योंकि हिमालय तो बहुत ऊंचा है, एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है, तो अरब सागर के शाखा के बादलों को रोक लेता है,
और वहां बादल पर्वतों से टकराते और वहां पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक करते हैं। इस प्रकार यहां वर्षा होती है। दूसरी बात ध्यान रखना भारत की वर्षा में कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इसका जो पश्चिमी भाग है, इधर वाला भाग, यहां तो वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो पूर्वी भाग है, पीछे वाला भाग, वहां वर्षा 75 सेंटीमीटर के लगभग होती है। समझे इस बात को। दूसरी बात है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इस शाखा से सबसे कम वर्षा होती है, 35% वर्षा होती है, और अरब सागर की शाखा है, अगर यहां देखें आपका मेघालय है, कौन सा है, मेघालय है, और इस मेघालय में कीपाकार आकृति में, इस मेघालय में कीपाकार आकृति में यहां कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे यहां पहाड़ी कौन सी है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, वो मेघालय के पठार पर है, कीपाकार आकृति में है, मेघालय के पठार पर है, कीपाकार आकृति में, कीपाकार आकृति में तीन पहाड़ियां हैं, गारो खासी और जयंतिया। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा है, अब इसने वर्षा नहीं की, ये उत्तर की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी है, इसके ऊपर से जाती है, तो यहां मेघालय के पठार पर है, इन तीनों पहाड़ियों से टकराती है और यहां सर्वाधिक वर्षा करती है, क्योंकि बादल नीचे है, पहाड़ियों से टकराते, बादलों में पानी है, तो यहां मेघालय के पठार पर, मेघालय में जो मोसिन राम है, यहां एक ऐसा स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, यहां औसत वर्षा है लगभग 1143 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहां मेघालय का मोसिन राम में वो 1143 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय का मोसिन राम है, यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, स्थान है न कि देश है, मोसिन राम मेघालय में है, यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्यों? दूसरी बात है कि मेघालय के पठार पर इतनी वर्षा होने के बावजूद इस पठार पर हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। क्यों? इसका कारण है कि मेघालय का जो पठार है, मेघालय का जो पठार है, पठारी प्रदेश है, पानी है, वो जमीन के अंदर कम रिसता है और बहकर यहां से चला जाता है, जिसके कारण यहां पानी की कमी बनी रहती है। अब दूसरी बात, गंगा यमुना के मैदानों में वर्षा करती हुई यहां राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में और पूर्वी भाग में, मुख्यतः पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। दूसरी बात, यह शाखा लास्ट में अंदर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जाकर जो अरब सागर की शाखा है वहां आपस में मिल जाती है और वहां पर्वतीय वर्षा करती है। हिमालय बहुत ऊंचा है, जहां अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो आपस में मिल जाती है। आपको पता होगा कि 2013 में उत्तराखंड में इन दोनों शाखाओं के आपस में मिलने से अधिक वर्षा हुई और अधिक वर्षा होने से हिमालय का भूस्खलन हुआ। क्या हुआ? हिमालय का भूस्खलन, क्योंकि हिमालय है ये विश्व का सबसे नवीन पर्वत है और ये सबसे कमजोर पत्थर से बना हुआ है। हिमालय अरावली का जैसे बहुत कठोर चट्टानों से नहीं बना है, हिमालय कमजोर अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, अतः कमजोर चट्टानों से बना होने के कारण है जैसे यहां थोड़ी बहुत ज्यादा वर्षा होती है, आपकी बर्फ जमना शुरू होती है, तो पहाड़ी है वो टूट टूट कर नीचे गिरने लग जाती है। अधिक वर्षा के कारण 2013 में उत्तराखंड में यहां लाखों लोग मारे गए भूस्खलन होने से, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, जनता गांव यहां पहाड़ियों पर बसते हैं, तो यहां पहाड़ियां टूटने से, भूस्खलन होने से सबसे ज्यादा लाखों लोग मारे गए और भारतीय सेना ने इन लोगों को बचाने के लिए यहां ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था। क्या चलाया था?
ऑपरेशन सूर्या होप अभियान चलाया था। तो इस प्रकार यहां वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसी के दो भाग होते हैं, राइट। इस प्रकार ये अपनी है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में देखते हैं, वर्षा ऋतु के बाद में आती है शीत ऋतु। क्या आती है? शीत ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में आती है शीत ऋतु, शीतकाल यूं कहें अपना शीतकाल। जो शीतकाल है, शीतकाल है ये देखते हैं अपन अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से फरवरी के मध्य, लगभग अक्टूबर से फरवरी के मध्य शीतकाल रहता है। शीतकाल इसमें शरद ऋतु बस आपके शीत ऋतु दो अलग अलग ऋतु आती है। तो शीतकाल में, शीतकाल में यानी शीत ऋतु में मुख्यतः शीत ऋतु में, शीत ऋतु में यहां वर्षा है वो कहां कहां होती, यानी भारत में शीत ऋतु में वर्षा कहां कहां कैसे होती, ये ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु इसमें एक बार आप ध्यान रखना, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का मानसून का प्रत्यावर्तन काल क्या है? मानसून का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है, अर्थात यानी मानसून का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। और ये राजस्थान में है, वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है, यानी कि यहां अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल। वैसे सितंबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, मध्य दिसंबर तक क्या है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है। क्या है ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल, कैसे होता है? तो देखिएगा, ये हमारा प्यारा दक्षिणी भारत है। आपको पता होना चाहिए कि जून जुलाई में, मई जून में यहां क्या था? थार के मरुस्थल में उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब था, यहां था ITCZ। क्या था? ITCZ। ये बता दिया मैंने, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बात हो रही है अक्टूबर से दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में या यूं कहें ये तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है। शीतकाल में अक्टूबर से फरवरी के मध्य सूर्य का है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाता है। हमारे यहां भारत में जब शीतकाल होता है तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में यहां गर्मी पड़ती है वहां पर, और हमारे यहां सूर्य की कितनी तिरछी पड़ती है, तापमान कम मिलता है, तो यहां शीतकाल रहता है। तो यहां अक्टूबर से फरवरी के मध्य सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ती है, यानी उत्तरी भारत में तापमान कम हो जाता है, यानी कि यहां टेम्परेचर है, यहां ताप के मतलब कम हो जाता है। अगर तापमान कम होता है तो वायु भारी होगी और उच्च वायुदाब बन जाता है, यहां क्या बन गया? उच्च वायुदाब। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहां क्या बन गया? निम्न वायुदाब। यहां क्या बन गया? निम्न वायुदाब। तो ये जो आपका ITCZ है, यह है यहां ITCZ यहां आ जाता है, दक्षिणी भारत में भूमध्य रेखा के पास ITCZ है वो दक्षिण में आ जाता है। इसके यहां आने से यहां क्या बन गया? निम्न वायुदाब बन गया। क्या बन गया? यहां पर निम्न वायुदाब बन गया। अब निम्न वायुदाब बन गया, मैंने बताया था कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, पवन की एक विशेषता है, वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते। इस कारण जो अरब सागर की शाखा थी, वह वापिस लौटने लगती है। अरब सागर की शाखा है ये, जो अरब
सागर की जो शाखा है ये वापिस से भूमध्य रेखा की ओर लौटना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ITCZ है वो कहाँ गया, हिंद महासागर की ओर, दक्षिण की ओर आ गया। तो मानसून है, अरब सागर की शाखा है इधर है, जो यहां ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। कौन सी है? बंगाल खाड़ी की जो शाखा है ये वापस लौटने लग जाती है। तो मानसून क्यों लौटता है, ये इसका कारण है। अब मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, मानसून का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। अब अरब सागर की शाखा है ये आपके हिमालय में वर्षा करती है, क्षेत्र में हिमालय तक पहुंचते पहुंचते पर्याप्त वर्षा कर चुकी होती है, ये शुष्क हो जाती है। सितंबर माह तक ये पवने, इनमें कोई आर्द्रता नहीं होती। जब पवने वापिस लौटती है तो भारत के बीच में कोई समुद्र नहीं है, इस कारण है जब मानसून वापिस लौटता है उत्तरी भारत से और उत्तरी पूर्वी भारत से, जब मानसून वापिस लौटता है तो लौटते हुए मानसून से भारत में कोई वर्षा नहीं होती। राजस्थान में और उत्तरी भारत में लौटते हुए मानसून से वर्षा न के बराबर होती है। दूसरी बात, ध्यान देने योग्य बात यह है, परीक्षा के हिसाब से जब यहां मानसून वापस लौटता है उत्तरी पूर्वी भारत से, तो यह यहां कौन सी है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, ये उत्तरी पूर्वी दिशा से आती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने है जब बंगाल की खाड़ी से होकर आती है, जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर आती है तो वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। आर्द्रता ग्रहण करने के कारण यहां जो भारत का ये भारत का जो पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट है, यहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, मुख्यतः ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, भारत के पूर्वी तट पर। इस भारत के पूर्वी तट पर यहां कुछ चक्रवातों के द्वारा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा है वो कहां होती है, मुख्यतः पूर्वी तट पर। यह भी नहीं पूछेगा, मेन क्वेश्चन यह है कि जब मानसून वापिस लौटता है तो वापिस लौटने पर शीतकाल में, कई बार क्वेश्चन आ चुका, बहुत बार आया है कि भारत में शीतकाल में वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु में होती है, राजस्थान में भी होती है, वो माउंट है, वो अलग है। भारत में शीतकाल में वर्षा है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में है। जब मानसून वापस लौटता है तो लौटते हुए मानसून से मुख्यतः नवंबर दिसंबर में शीतकाल में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु में जो वर्षा है वो किस प्रकार की पवनों से होती है, ये टीचरों में बहुत बार आ चुका है कि तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा किस पवनों से होती है, किन पवनों से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से तमिलनाडु में जब मानसून वापस लौटता है तो वहां वर्षा होती है, राइट। यह है आपका मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है, राइट। अगला देखते हैं, दूसरी बात है, एक आती है माउट। माउट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है यहां से, तो माउट क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए माउट, माउट क्या है, कई बार क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है माउट क्या है, किस प्रकार वर्षा होती है, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। माउट देखिए, मैंने एक बार इसके बारे में देखते हैं, माउट है यह मुख्यतः जनवरी फरवरी में, मुख्यतः जनवरी फरवरी में शीतकाल में, शीतकाल में राजस्थान के
उत्तरी एवं आपके पश्चिमी भाग में, उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में प्लस है आपके उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। माउट क्या है? राजस्थान में शीतकाल में जनवरी फरवरी में होने वाली जो वर्षा है वो माउट कहलाती है। और ये माउट है मुख्यतः आपके यहाँ उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, भारत में ज्यादा होती है। माउट क्या है? अगर माउट का संकेत क्या है, संकेत क्या है? शीतकाल में रात्रि के तापमान में, रात्रि के तापमान में वृद्धि, रात्रि के तापमान में वृद्धि होना, ये माउट का संकेत है। अगर शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि होती है तो माउट आने का संकेत है। इसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, सोने की बूंदे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि शीतकाल में रबी की फसल है जिसे चना है, सरसों है, गेहूं है, जो इसके लिए एक बहुत ज्यादा वरदान सिद्ध होती है वर्षा, अतः इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि माउट में पानी कहां से आता है? माउट में पानी है वो किस सागर से, किस महासागर से आता है? माउट में जो पानी है, वर्षा का जो पानी है वो कहां से आता है? ये पानी है वो भूमध्य सागर से आता है। कहां से आता है? भूमध्य सागर से पानी है वो भूमध्य सागर से आता है। यानी कि जो पानी है यह भूमध्य सागर से आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि माउट में पानी कहां से आता है? हिंद महासागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, या भूमध्य सागर से? कहां से आता है? भूमध्य सागर से आता है। और माउट है इस भूमध्य सागर में, यहां कुछ पश्चिमी चक्रवात है, विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि चक्रवातों से इस भूमध्य सागर में जो कुछ पश्चिमी विक्षोभ उड़ते हैं, चक्रवात उड़ते हैं, इन चक्रवातों से वर्षा होती है। वो कैसे होती है ये समझिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर है भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। यहां देखते हैं देखिए भूमध्य सागर है ये आपका पश्चिमी राजस्थान है। अब इस भूमध्य सागर से वर्षा किस प्रकार होती है, इसमें वर्षा किस प्रकार होती है? भूमध्य सागर है, इसके ऊपर तो आपका इटली है, यूरोपीय देश है, इधर पुर्तगाल है, दक्षिण में सऊदी अरब है, इराक ईरान है, लेबनान है, ये इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है। यहां यूरोप है, इधर एशिया के देश है जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, आपका लेबनान है, इजराइल है। यहां क्या है? ये देश है, एशिया के देश है। अब यहां क्या है इस भूमध्य सागर में? यहां पश्चिमी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यहां भूमध्य सागर में शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी चक्रवातों की उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर में होती है। और आपको याद रखना, जिंदगी में कहीं भी अगर आपको ये बोल दे कि उस देश में, उस स्थान पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उसका मतलब है कि जहां भी ये शब्द लिखा आ जाए कि वहां भूमध्य सागरीय जलवायु है, उसका मतलब है वहां वर्षा शीतकाल में होती है। वहां वर्षा कब होती है? शीतकाल में। गर्मियों में कोई वर्षा नहीं होती, वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती। तो यहां भूमध्य सागर में यहां से कुछ चक्रवात उड़ते हैं, और ये चक्रवात है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पश्चिम मतलब है पश्चिमी चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। अब दूसरी बात,
पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों चलते हैं? पश्चिम से अपा इराक, ईरान, लेबनान, सऊदी अरब, इजराइल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इधर राजस्थान, भारत की ओर वर्षा करते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पहला कारण कि पश्चिमी चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों चलते हैं? इसका कारण है जेठ पौने। कारण क्या है? जेठ पौने। जेठ पौने क्या है? जेठ पौने क्या है आपको पता होना चाहिए। 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जापान पर परमाणु बम डाल रहा था, तो क्या होता है कि उनके जो हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, ये पृथ्वी धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और वहां 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। पहले किसको पता ही नहीं था, यहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। जब हेलीकॉप्टर इस ऊंचाई पर उड़ रहे थे तो इन हेलीकॉप्टर की दिशा है वो अपना बदल रही थी, तो उन्होंने नीचे आकर बताया कि इस ऊंचाई पर हमारे जो जेट विमान है वो अपने आप दिशा बदल रहे थे, वह बहुत तीव्र गति से हवाएं चलती है, अतः इन्होंने खोज की, अतः उनके सम्मान में इन पवनों का जो तीव्र गति से पृथ्वी धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, सौर मंडल की ऊपरी सीमा पर है, जो तेज गति से हवाएं चलती है, उनका नाम रख दिया जेट पौने। तो ये जेट पौने हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के कारण है ये पश्चिमी चक्रवात है, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन ये आता था कि माउट किन पवनों से होती है? पश्चिमी चक्रवातों से होती है। माउट में पश्चिमी चक्रवात कहां से उड़ते हैं? भूमध्य सागर से उड़ते हैं। अब क्वेश्चन आने लग गया कि भूमध्य सागर से पश्चिमी चक्रवात उड़ते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों आते हैं? उत्तर पश्चिम दक्षिण की ओर क्यों नहीं जाते हैं? उसका कारण है जेठ पौने। जेठ पौने हैं और वो जेठ पौने कौन से? पश्चिमी जेठ पौने। पश्चिमी जेठ पौने पृथ्वी धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तीव्र गति से चलती है, अतः इन हवाओं के प्रभाव से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अभी यहां से हाल ही में 2020 में, जनवरी 2020 में, यहां फर्स्ट ग्रेड में किसने आया था कि यहां से पश्चिमी चक्रवात उड़ते हैं तो यहां बीच में एक सागर है, बीच में एक सागर है और उस सागर का नाम है क्या भाई? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर है। तो जब कैस्पियन सागर, जब हवाएं आ रही है भूमध्य सागर से पानी लेकर आ रही है, वर्षा करती करती आ रही है, तो यहां वर्षा करती करती आ रही है तो कैस्पियन सागर तक पर्याप्त वर्षा कर चुकी होती है, तो बादल में पानी कम हो जाता है, हवाएं थोड़ी शुष्क हो जाती है। तो परंतु जैसे ही कैस्पियन सागर आता है तो कैस्पियन सागर से ये पश्चिमी चक्रवात है वो क्या ले लेते हैं? यहां से आर्द्रता ले लेते हैं। क्या लेते हैं? यहां से पानी, यानी आर्द्रता ले लेते हैं। कि ये बात सही या गलत? क्वेश्चन आया था कि जब पश्चिमी चक्रवात भूमध्य सागर से उठकर पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो ये कैस्पियन सागर से पानी लेते हैं, ये बात गलत या सही है? बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर से क्या लेंगे? पानी लेंगे, क्योंकि समुद्र के ऊपर से होकर आएंगे तो सीधी सी बात है हवा आर्द्रता लेगी, सीधी सी बात। तो यहां कैस्पियन सागर से आर्द्रता ले लेते हैं और यहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान के पश्चिमी भाग में यहां क्या करती है? वर्षा करती है। तो ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं राजस्थान में? माउट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउट। आएगा समझ में? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। माउट क्या है? राजस्थान में शीतकाल में, कब शीतकाल? जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा है, माउट कहलाती है। इसे गोल्डन ड्रॉप, सोने की बूंदे भी कहते हैं। रबी की फसलें, जो शीतकाल में अपन फसल बोते हैं, जो चना, सरसों, गेहूं, रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा ये लाभदायक है। माउट है, इसमें पानी भूमध्य सागर से आता है। माउट क्यों होती है? भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, इनके कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भारत की ओर ही क्यों आते हैं? क्योंकि पूर्व पश्चिमी जेट पौने हैं, उसके प्रभाव के कारण यहां से आते हैं, बीच में कैस्पियन सागर आता है, वहां से पानी ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था माउट।
आ गया समझ में? आगे देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, वो है अल निना व ला निना। देखिए, अल निना एवं ला निना, अल निना यानी कि अल निना एवं ला निना, अल निना एवं ला निना। क्या है ये समझिएगा। हालांकि इसकी कहानी बहुत बड़ी है, लंबी है, कैसे उत्पत्ति होती है नॉर्मल देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। अल लेना व ला लेना क्या होता है? अल लेना व ला लेना, पहली बात अल लेना व ला लेना है, ये दोनों एक स्पेनिश शब्द है। कैसे है? स्पेनिश शब्द है। नॉर्मल देखिएगा, अल लेना व ला लेना ये स्पेनिश स्पेन के शब्द है, और अल लेना व ला लेना का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है ये होता है आपका बालक ईसा। अल लेना व ला लेना का जो अर्थ होता है वो बालक ईसा होता है, और अल लेना व ला लेना है ये कब उत्पन्न होता है? ये कब उत्पन्न होता है? ये लगभग 25 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास क्रिसमस डे, जो क्रिसमस डे है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर के आसपास ये उत्पन्न होता है, 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होता है। अल ना वे ला लेना है, इसका जो मुख्य प्रभाव है वो वर्षा पर पड़ता है। तो अल लेना क्या है, वो ला लेना क्या है, तो एक बार अपन देखते हैं अल लेना क्या होता है। नॉर्मल एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अपन देखते हैं कि पेरू तट है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये अपना भारत है, भारत है, ये देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर हिंद महासागर है। अगर समझ में आ जाए तो समझना, अगर आ सके तो देखो, कोशिश करो एक बार। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, यहां क्या है, दक्षिणी, थोड़ा सही लिखता हूं, यहां पर है दक्षिणी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब देखिएगा, जो अल लेना व ला लेना है, अल लेना क्या है, अल लेना क्या है, ये अल लेना है ये शीतकाल में उत्पन्न होता है। कब होता है? ये शीतकाल में, शीतकाल में उत्पन्न होता है, और आपको होता है शीतकाल में, शीतकाल में जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां क्या होता है, ग्रीष्म काल होता है। यह शीतकाल है, यह यहां भारत में है। क्या है? भारत में दिसंबर में शीतकाल होता है, परंतु इधर अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहां क्या होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहां क्या होता है, ग्रीष्म काल होता है। यहां जो दिसंबर है, दिसंबर में यहां क्या होता है, ग्रीष्म काल होता है। क्या होता है? ग्रीष्म काल। हमारे भारत में क्या होता है, शीतकाल होता है, भारत में तो शीतकाल में उत्पन्न होता है। अब देखिएगा,
यहां क्या है कि कई बार आ लेना जो ला लेना है ये पांच से 10 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होता है। आ लेना वो ला लेना है 5 से 10 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होता है। और इसमें होता क्या है कि जो ये पेरू का तट है, प्रशांत महासागर का पेरू देश का तट है, इस पेरू तट का जो तापमान है, यहां का जो तापमान है वो तापमान है वो बढ़ जाता है, यहां का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान बढ़ जाता है। पेरू तट के पास है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है इसका तापमान है 5 या 10 वर्षों के अंतराल पर है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ गया तो यहां जो पेरू देश का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहां क्या बन गया, निम्न वायदा बन गया। क्या बन गया? निम्न वायदा। यहां विशाल इलाके में क्या बन गया? निम्न वायदा बन गया। तो यहां दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास है, समुद्र का तापमान बढ़ने से यहां विशाल इलाके में निम्न वायदा बन जाता है। अब देखिए यहां यहां क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, बाहर में वर्षा है वो हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। तो यहां क्या है कि इधर बाहर में क्या है, निम्न वायुदाब है। अब क्या है, इस निम्न वायुदाब से भी ज्यादा निम्न वायुदाब है वो कहां बन गया, यहां पेरू तट के पास बन गया, यानी वहां से भी ज्यादा यहां बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब बन जाता है। और यहां क्या है, उच्च वायुदाब है, यहां क्या है, उच्च वायु वायुदाब है। और वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, वायु है ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अतः जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं वो जो बाहर की ओर आनी चाहिए थी, बाहर की ओर आनी चाहिए थी, वो इधर बाहर की ओर न आकर ये पवने किधर आकर्षित हो गई, पेरू तट की ओर आकर्षित हो गई। तो बाहर में वर्षा है वो औसत वार्षिक वर्षा से कम होती है, इसे क्या कहते हैं, अल निना कहते हैं, अल निना कहते हैं। तो अल निना किसे कहते हैं, अल निना के प्रभाव से, यानी कि अल निना के प्रभाव से भारत में वर्षा औसत वार्षिक वर्षा से कम होती है। अगर आपको यह पूरी रामायण नहीं भी समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बात याद रखना, जब भी भारत में इस पृथ्वी पर अल निना का प्रभाव होता है तो भारतीय मानसून तंत्र कमजोर पड़ जाता है, और भारत में वर्षा है वो औसत वार्षिक वर्षा से कम होती है। अल निना के प्रभाव से भारत में वर्षा कम होती है, राजस्थान में वर्षा कम होती है। अल निना है, इसमें क्या होता है, हिंद महासागर की जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं वो बाहर की ओर न आकर प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर है वहां इस महाद्वीप के पेरू तट के पास की ओर आकर्षित हो जाती है, इस कारण बाहर में वर्षा कम होती है, इसे अल निना कहते हैं। कुछ समझ में आया क्या, अल निना क्या है? नॉर्मल अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बात याद रखना, अल निना के प्रभाव से भारतीय मानसून तंत्र कमजोर पड़ जाता है, और भारत में वर्षा है वो औसत वार्षिक वर्षा से कम होती है, होती है परंतु क्या होती है, कम होती है, राइट। एक है ला निना, क्या है ला निना, ला निना क्या है, ला निना क्या है, ये थोड़ा इसका उल्टा है, अल निना का उल्टा क्या है, ला लेना है। ला लेना में क्या होता है समझिएगा, ला लेना में क्या होता है, ये भी पांच से, जैसे अल ना समाप्त होता है तो ला लेना उत्पन्न हो जाता है, इसमें ला लेना के कारण है जो पेरू तट है यहां का तापमान है, यहां का वायुदाब है वो उच्च हो जाता है, यहां का तापमान है वो कम हो जाता है, तापमान कम होने से यहां का वायुदाब अधिक हो जाता है। तो ला लेना के प्रभाव से पेरू तट पर क्या है,
उच्च वायदा बन जाता है। क्या बन जाता है? उच्च वायदा। और जो हिंद महासागर के उच्च वायदाब है, इनसे भी ज्यादा उच्च वायदाब है, यहां बन जाता है। और वो इन पवनों को, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करके इनको धक्का मारता है, क्योंकि यहां उच्च वायदाब है, यहां निम्न वायदाब है। हिंद महासागर में निम्न वायदाब है और यहां उच्च वायदाब है। तो उच्च वायदाब क्यों है? क्योंकि प्रशांत महासागर का तापमान है वो औसत तापमान से कम हो जाता है, इस कारण यहां उच्च वायदाब बन जाता है। और ये उच्च वायदाब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को धक्का मारता है। क्या मारता है? धक्का मारता है। तो ये पवने हैं, ये पवने हैं, ये क्या होती है? बाहर की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। ये पवने हैं बाहर की ओर ज्यादा आकर्षित होती है और बहुत तीव्र गति से अधिक वर्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि ला निना के प्रभाव से बाहर में वर्षा अधिक होती है। लाल नाक के प्रभाव से भारत में अधिक वर्षा होती है। यानी कि लाल नाक है वो अलना का विपरीत है। लाल नाक के प्रभाव से भारतीय मानसून तंत्र मजबूत होता है और भारत में वर्षा है वो औसत वार्षिक वर्षा से अधिक होती है। तो मित्रों यह है अलना व लालना। कई बार कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक शब्द याद रखना, लालना के प्रभाव से भारत में राजस्थान में अधिक वर्षा होती है और अलना के प्रभाव से कम वर्षा होती है। यह है अपना अलना व लालना। दूसरी बात अपन देखते हैं, आगे देखते हैं कि भारत में औसत वर्षा, भारत में औसत वर्षा है वो लगभग 125 सेंटीमीटर है। भारत में जो औसत वर्षा है वो कितनी है? 125 सेंटीमीटर। भारत में जो वर्षा है औसत वर्षा 125, कई बार इसको 109 से 118 सेंटीमीटर भी देते हैं, परंतु एवरेज अगर देखें तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो यहां 57.51 सेंटीमीटर, यानी यूं कहे लगभग यहां 58 सेंटीमीटर होती है, अर्थात 580 मिलीमीटर। या कि आप ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है लगभग यहां 57.51 सेंटीमीटर है, यूं कहे लगभग 58 भी आ सकता है एग्जाम में, और औसत लगभग मिलीमीटर में पूछ ले तो 580 है, 10 से गुणा कर देते हैं तो 580 मिलीमीटर है। दूसरी बात आगे देखते हैं, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, एक बार देखते हैं, ये राजस्थान है, थोड़ा सा अपन देखते हैं इसमें, यहां अगर देखें देखिए इस राजस्थान में बीचों बीच यहां एक 50 सेंटीमीटर, या इसे बोलते 500 मिलीमीटर जो वर्षा रेखा है ये इस राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा, 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा अर्थात 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। क्या सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी? तो देखिएगा यहां
50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यानी 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 से गुणा कर दो, 500 मिलीमीटर हो गया। 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इस 50 सेंटीमीटर से इधर उत्तरी और पश्चिमी भाग में है जो वर्षा है, यहां 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इधर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा से उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और यहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा है? थार का मरुस्थल है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें 250 मिली मीटर वर्षा रेखा है, या यूं कहें 25 सेंटीमीटर, 25 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है इस पश्चिमी राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट, 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये इसे पश्चिमी राजस्थान को थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इस रेखा से इधर वाला भाग है, यहां वर्षा है वो 250 मिलीमीटर से कम होती है और इधर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये तो प्रदेश हो गया आपका कैसा, अर्ध शुष्क हो गया। कैसा हो गया? अर्ध शुष्क हो गया। और ये कैसा हो गया? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सारे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और इस रेखा से इधर वर्षा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, और अपन बाद में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।